अरे यार, कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा। ये मानसी कहाँ रह गई? मुझे इन दोनों के बारे में जानना है। आखिर रितु और पंकज के बीच क्या चल रहा है, मुझे बस एक बार पता चल जाए। परेशान मत हो, मानसी आ गई है। अरे यार, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा है। ये पंकज और रितु आपस में क्या बातें कर रहे हैं? तू अपने लंबे कानों से सुन सकती है? प्लीज मेरा इतना काम कर दे। अच्छा रुक, अभी सुनती हूँ। ये थी मानसी, जो हर जगह अपने लंबे कानों की वजह से अपने कॉलेज और कॉलोनी में मशहूर थी। मानसी के कान लंबे थे, जिनसे वो दूर की बातें भी सुन लेती थी। पंकज और रितु का आपस में चक्कर चल रहा है, वो दोनों शाम को रेस्टोरेंट पर मिलने की बात कर रहे हैं। अरे रितु कुछ और भी कह रही है। चल छोड़ यार, अब तुझे क्या बताऊं? अरे बता ना, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है सुनने की। मैंने इस रितु का बैंड ना बजा दिया तो मेरा नाम भी कोमल नहीं। बता बता क्या बोल रही है? रितु ने कहा कि बहन जी टाइप दिखने वाली कोमल अगर उसके और पंकज के रिश्ते के बीच में आई तो उसकी खैर नहीं। क्या, रितु ने ऐसा कहा? अभी उसकी खबर लेती हूँ। मानसी, तेरे लंबे कानों की वजह से आज रितु और पंकज कोमल के हाथों से नहीं बच पाएंगे। अब इसमें मेरी क्या गलती है? लोग मेरी हेल्प मांगते हैं तो मैं कर देती हूँ। मैं खुद से थोड़ी किसी का बुरा चाहती हूँ। अब मेरे कान लंबे हैं, इनका कुछ तो फायदा उठाऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, आज माँ के साथ बाजार जाना है इसलिए कॉलेज से जल्दी जा रही हूँ। मानसी माँ के साथ बाजार जाती है और रास्ते में कॉलेज की बात अपनी माँ को बताती है। मानसी बेटा, ये बातें अभी तो ठीक है कि तुम किसी की मदद करने के बहाने सच्चाई सामने ले आती हो, पर अपना ध्यान भी रखा करो, तुम्हें कोई नुकसान ना हो। आगे तुम्हारी शादी होनी है। माँ, पहले शादी तो हो जाए, तब की तब देखी जाएगी। वैसे आप मुझे बाजार क्यों लेकर आई हैं? लड़का मिल गया है इसीलिए तुझे बाजार लेकर आई हूँ, नई साड़ी दिलवाने के लिए। तेरे बाबूजी का कहना है कि लड़का बहुत बड़ा बिल्डर है, अपना मकान, गाड़ी, पैसा सब कुछ है। उन्हें एक सुशील और समझदार लड़की चाहिए, इसलिए उन्होंने तुम्हें पसंद किया है। इसका मतलब तुमने और बाबूजी ने मेरी फोटो भेज दी पर मुझे लड़का नहीं दिखाया, तो मैं हाँ कैसे कर दूँ? कल आ रहे हैं, आराम से देख लेना, जब तुझे लड़का पसंद होगा हम तभी हाँ करेंगे। लड़के वाले मानसी को देखने आते हैं। मानसी को लड़का पसंद आ जाता है और रिश्ते की हाँ हो जाती है। मानसी की शादी सार्थक नाम के लड़के से हो जाती है। बहू तो बहुत सुंदर है पर कान कुछ ज्यादा लंबे नहीं है। आंटी जी बच कर रहना, भाभी की एक खासियत है, इनके लंबे कान दूर चल रही किसी की बुराइयां भी सुन लेते हैं। हाँ प्रिया बेटी, ये क्या मजाक कर रही हो? जाओ शारदा आंटी के लिए शरबत लेकर आओ। ये प्रिया ने तो जाने अनजाने मेरे बारे में सच ही बोल दिया। अरे भाभी, मैं तो आंटी से मजाक कर रही थी, आपने मेरी बातों का बुरा तो नहीं माना ना? पर ये पड़ोस वाली शारदा आंटी ना बहुत चुगली करती है, इधर की उधर हमेशा। मानसी की शादी को कुछ दिन बीत चुके थे। ऐसी ही एक शाम, आज कितने दिनों बाद रेस्टोरेंट आना हुआ। थैंक यू भाभी, आपके आने के बाद सचमुच हमारे घर में रौनक आ गई है। पसंद भी तो मेरी है, तुम दोनों तो पहले मना कर रहे थे, कान लंबे हैं अच्छी नहीं लगेगी। क्या ये दोनों मेरे बारे में ऐसा सोचते थे? जाओ मैं आप दोनों से बात नहीं करूंगी। अरे वो तो पुरानी बात है, अब तो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ सच्ची। अच्छा बताओ आज अपनी पसंद का क्या खाओगी? और भाभी, मैं तो सचमुच अपने फ्रेंड्स को भी यही कह रही थी कि मेरी भाभी जितनी सुंदर किसी की भी भाभी नहीं है। मैं तो इतना जानती हूँ, व्यक्ति अपने स्वभाव से अच्छा होता है और मेरी बहू सूरत और सीरत दोनों में अव्वल है। भाभी आप मशरूम टिक्का खाओगे या पनीर टिक्का? जो तुम्हें पसंद है वही मंगवा लो, मैं वही खा लूंगी। जब तक ऑर्डर आता है जरा मेरे साथ वॉशरूम चलो। मानसी प्रिया के साथ वॉशरूम चली जाती है। प्रिया वॉशरूम में थी और मानसी बाहर खड़ी थी तभी। कल वाले जो मशरूम बचे हुए हैं वही बना रहा है ना, क्योंकि हमें आज वाली ताजी सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करना है। कितने सालों से इस रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, आज तक किसी को कोई खबर हुई है क्या? नहीं ना। हे भगवान, ये कैसा रेस्टोरेंट है, ये लोग हमें बासी खाना खिलाकर हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मानसी टेबल पर जाकर सारी बात सार्थक को बताती है। क्या, मैं अभी मैनेजर से बात करता हूँ। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमारे रेस्टोरेंट में तो रोजाना ही ताजी सब्जियाँ बनाई जाती हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने रेस्टोरेंट की किचन दिखा सकता हूँ। यही दोनों लड़के बासी सब्जियों से खाना बना रहे थे। मैं ये सब क्या देख रहा हूँ, रेस्टोरेंट के लिए रोजाना इतनी महंगी ताजी सब्जियाँ आती हैं, वो कहाँ जाती हैं? और ये पुरानी सड़ी गली सब्जियों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? सच बताते हो या मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले करूँ? हमसे गलती हो गई सर, हमें माफ कर दो सर, हम ताजी सब्जियां बाजार में बेच देते हैं और पुरानी गली सड़ी सब्जियों से खाना बनाकर ग्राहक को खिलाते हैं। मैं तुम दोनों को इस गुनाह के लिए अभी नौकरी से निकालता हूँ, तुम दोनों अभी के अभी मेरे रेस्टोरेंट से दफा हो जाओ।
थैंक यू सर, आपने मेरे रेस्टोरेंट की इमेज खराब होने से बचा ली, नहीं तो इन दोनों लड़कों की वजह से मेरा रेस्टोरेंट बदनाम हो जाता। ये सब मेरी बहू मानसी के कारण हुआ है, धन्यवाद तो आप इसे कहिए। मैम थैंक यू सो मच, आपने हमारी इतनी मदद की है, इसलिए आज की सारी स्पेशल डिश आप सबके लिए हमारी तरफ से मुफ्त है। पर कहीं वो डिश बासी सब्जियों से तो नहीं बनी ना? मैम अब से मैं खुद निगरानी रखूंगा और किचन में ऐसी गलती दोबारा नहीं हो पाएगी, आप इत्मीनान रखिए। वाह भाभी आप तो ग्रेट हो, आज आपके कारण मुफ्त का मजेदार खाना खाने को मिला, इसका मतलब आपके लंबे कान होने का तो बड़ा फायदा है। वो तो है, मैं अपने कॉलेज और अपनी पूरी कॉलोनी में इसी वजह से तो मशहूर रही हूँ। और सब मिलकर खूब जोर से हंसते हैं। अगले दिन दोपहर में सार्थक का फोन आता है। मानसी मैं घर पर अपनी एक फाइल भूल गया हूँ और यहाँ साइट पर कोई है भी नहीं जिसके हाथ से मंगवा लूँ, क्या तुम मुझे फाइल पकड़ा कर जा सकती हो क्या? ठीक है सार्थक, मैं अभी फाइल लेकर पहुँचती हूँ। मानसी फाइल लेकर सार्थक के पास पहुँचती है, पर सार्थक उस वक्त वहाँ नहीं था। सार्थक तुम कहाँ हो? मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। अब तुम 10-15 मिनट वहीं नीचे ऑफिस में बैठो, मैं पहुँचता हूँ। अरे ये तो नीरज है, इसे तो सार्थक ने मुझे बताया था इसके लापरवाह स्वभाव के कारण नौकरी से निकाल दिया था, पर ये उस आदमी के साथ क्या बातें कर रहा है, मुझे कान लगाकर सुनना होगा। देखो तुम्हें ये बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे घटिया मटेरियल यूज करना होगा ताकि कुछ दिनों में ही बिल्डिंग गिरकर मलबे में बदल जाए और सारा इल्जाम उस सार्थक पर आ जाए जिसने मुझे नौकरी से निकलवाने की हिम्मत की थी। आप चिंता मत करो, मैं सब काम संभाल लूंगा, बस आप मेरे पैसे तैयार रखना ठीक है। इससे पहले कि कोई मुझे देखे मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कितना बेईमान इंसान है ये नीरज, अभी भी बाज नहीं आया। ये तो भगवान का शुक्र है कि इनकी बातें मैंने सुन ली। अभी सार्थक को सारी बातें बताती हूँ, अब तुम दोनों की खैर नहीं। क्या हुआ मानसी, तुमने मुझे अचानक फोन करके क्यों बुलाया? मैं थोड़ी देर में ही आ रहा था। ये देखो सार्थक, मैंने अपने फोन में वीडियो बनाई है, इस वीडियो को ध्यान से देखो। ये नीरज जिसे तुमने नौकरी से निकाल दिया था, वो नीरज तुम्हारी बिल्डिंग में काम करने वाले वर्कर के साथ क्या बातें कर रहा है। नीरज इतना घटिया इंसान निकलेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मानसी तुम चिंता मत करो, मैं इस वीडियो को पुलिस को दिखाकर इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। सार्थक पुलिस को वो वीडियो दिखाता है और बेईमान नीरज के साथ उस बेईमान वर्कर दोनों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। मानसी तुम नहीं जानती हो तुमने अनजाने में मेरे हाथों कितना बड़ा गुनाह होने से मुझे बचा लिया, थैंक यू सो मच। पर तुम्हें इतनी दूर से बात करते हुए नीरज और वर्कर की आवाज़ सुनाई कैसे थी? सार्थक शायद तुम मेरे लंबे कान भूल गए, मेरे लंबे कान दूर की बातें भी साफ साफ सुन लेते हैं। सार्थक मानसी को लेकर घर पहुंचता है और सारी बात माँ और प्रिया को बताता है, इस बात से वो दोनों भी बहुत खुश होती हैं। मेरी बहू लाखों में एक है,